अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में आजकल गिरफ्तारियों का बड़ा सीज़न चल रहा है, और आप शेख रशीद का अरेस्ट देखें उससे, और उसके साथ साथ जो है फवाद चौधरी और जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, जो अपोजिशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं। और ये गिरफ्तारियां जो है, ये गिरफ्तारियां पेश खेमा हैं इमरान खान की जानिब गिरफ्तारी की तरफ। एक आप कहें कि एक तसलसल है जो कि जिसका एंड जो है, जिसकी एक्सट्रीम जो है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस हवाले से जो आपसे मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ, ये किसी एनालिसिस पे या कोई दो चार यूट्यूबर्स की वीडियोस देखे मैंने, क्योंकि कोई खबर आपको नहीं बता रहा। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये एनालिसिस नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन ये है कि आला सतही इजलास हुआ है। पहले आपको ये बता दूँ कि होता क्या है, जब इस तरह के बड़े जो पोलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, या इस तरह के जो लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब हैं, तो उनकी गिरफ्तारी से पहले इस तरह होता है कि जो पुलिस पुलिस होती है वो अपने मुतलका थानों को इंटीमेट करती है, और वहाँ पे एक एक स्केच बनाया जाता है। पॉसिबल जो रिएक्शंस आते हैं आवाम के, उनसे बचने के लिए वहाँ पे एक लिस्टें तैयार की जाती हैं किन इलाकों में कौन कौन से इससे जो है वो बड़े लीडर्स हैं वहाँ यहाँ के मकामी, जो कि आवाम को बाहर निकाल सकते हैं। तो किसी भी तौर पे जो गवर्नमेंट होती है उसकी यही ख्वाहिश होती है, उसकी यही तरजीह होती है, और उनकी यही कोशिश होती है कि किसी भी तरह से जो मोबिलिटी ऑफ द पीपल है, जो लोग हैं वहाँ पे, उसको किसी तरह से कम मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस हवाले से जी बड़ा एक हाई लेवल की एक मीटिंग हुई, और इसमें पुलिस के हाई ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने शिरकत की, और उसमें ये नतीजा निकला कि जी उन्होंने तमाम जो इस्लामाबाद पुलिस के थाने हैं, SHOs हैं, उनको लिस्टें उनसे लिस्टें मांग ली हैं कि जी ये चीज़ जो लिस्टें हैं इन इन लोगों को के ऊपर नज़र रखें, और लिस्टें बल्कि मांगी हैं उनसे इनफैक्ट कि कौन कौन से लोग हैं और आखिर कितने लोग हमें मज़ीद अरेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ से। अगर इमरान खान को अरेस्ट करने का प्लान बनता है तो उसके बाद हमें कितने लोग अरेस्ट करने पड़ेंगे जो कि मोबलाइज़र हैं, जो कि पब्लिक को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस हवाले से स्पेशल ब्रांच किससे भी हेल्प ली गई है, जिसका बेसिकली काम ही यही होता है इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं, और उनके पास अच्छा खासा डेटा जो है मौजूद होता है लोगों का हर हवाले से, उनकी भी हेल्प ली जा रही है। उन्होंने भी जितने भी थानों के SHOs हैं उनको एक मुरासला जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो कि अच्छे सोशल मोबलाइजर हैं और इनका इम्पेक्ट है वहाँ अपनी लोकल कम्युनिटी के ऊपर, उनको उनकी हवाले से लिस्टें तलब की जाएंगी। वो लिस्टें स्पेशल ब्रांच को दी जाएंगी, और स्पेशल ब्रांच जो है फिर उनके जो हाई अप्स हैं वो डिस्कस होगा वहाँ पर। और इन चीज़ों से यही लग रहा है कि इमरान खान का जो अरेस्ट है उसके हवाले से तैयारियां तो बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि आगे जो आवाम है वो क्या करती है, और किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर पुलिस ने इस चीज़ को तो करना था, कि पुलिस ने अपनी प्लानिंग तो करनी थी कि किस इतने बड़े लीडर को अगर वो अरेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आवाम तो मोबिलाइज, अगर कोई उनको करने वाले हों या ना हों आवाम तो बाहर निकलेगी बहरहाल। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये प्लानिंग की है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई प्लानिंग की जाए, तो हमने उनसे पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ ही जो है हमने लोगों को उठा लेना है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं सामने, और बज़ैर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से फैसले हो चुके हैं, और अब आने वाले चंद दिन जो हैं वो इंतहाई अहम है कि इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार करते हैं। और जो शेख रशीद ने भी जिस तरह बयान दिया था कि आसिफ जरदारी के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बेसिकली वो स्टेटमेंट भी जो है वो बेस करती है इमरान खान की उस स्टेटमेंट पे, जिसमें उन्होंने जिसका हवाला शेख रशीद ने बोल टीवी के प्रोग्राम में दिया था। बहरहाल ये एक खबर थी मेरे पास जो कि आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। अब देखते हैं फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं, ये एक प्लानिंग है इसको किस हद तक एग्जीक्यूट करती हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि जो एट द लेंथ आर डिसीजंस चेंज भी हो जाते हैं, फैसले चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा उनका डील हो जाए, कोई ऐसा आपस में उनका मुआहदा हो जाए, कोई बात हो जाए, जिसके बाद इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट ना करें। लेकिन एट द मोमेंट तैयारी मुकम्मल कर ली गई है बिल्कुल, और किसी भी तौर पर किसी भी लेवल पे जो है वो कभी भी ये एक्शन लिया जा सकता है। और इस हवाले से जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रिपरेशंस हैं वो तकरीबन अपने हतमी मरहल में है। बहुत शुक्रिया।